तो दोस्तों आपको स्टेट बैंक में ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है दोस्तों, जिस एप्लीकेशन का नाम है यूनो SBI। और दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और दोस्तों आपको यहां पर अपने उस मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है दोस्तों, जिस मोबाइल नंबर को आप अपने अकाउंट में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं दोस्तों, आपको उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों आपको यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको ओपन सेविंग अकाउंट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको इस ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको विदाउट ब्रांच विजिट ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको इस ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो पेज है दोस्तों, आपको इस पेज को रीड कर लेना है और दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर करना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक वन टाइम OTP कोड सेंड किया जाएगा दोस्तों, आपको जो OTP कोड आपके मोबाइल नंबर पर आया है दोस्तों, आपको उस OTP कोड को यहाँ पर एंटर करना है और दोस्तों जो OTP कोड आपकी ईमेल आईडी पर आया है दोस्तों, आपको उस OTP कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है दोस्तों, पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को री एंटर करना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर किसी भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है दोस्तों, उस आंसर को यहाँ पर एंटर करना है दोस्तों, जैसे कि कभी आपको पासवर्ड को रीसेट करना पड़ा तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को एंटर करना पड़ेगा और दोस्तों इसके बाद आपको इस स्क्वायर वाले ऑप्शन को टिक कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों आपको आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इसके स्क्वायर में टिक कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को प्रेस कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का जो भी नंबर है दोस्तों, आपको उस नंबर को एंटर करना है और आधार कार्ड के नंबर को एंटर करने के बाद दोस्तों आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा दोस्तों, आपके उस मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम OTP कोड सेंड किया जाएगा दोस्तों, आपको उस OTP कोड को यहां पर एंटर करना है दोस्तों, जैसे कि मेरे मोबाइल नंबर पर OTP कोड आ चुका है, मैं इस OTP कोड को यहां पर एंटर कर देता हूं और दोस्तों इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है दोस्तों, हमारे आधार कार्ड में जो भी डिटेल होगी दोस्तों, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, आपको सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों यहाँ से आपको अपनी सिटी को, गांव, कस्बा, जहाँ भी आप रहते हैं दोस्तों, उसको सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर
अपने पैन कार्ड का जो भी नंबर है दोस्तों, आपको उस नंबर को एंटर कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों आपके आधार कार्ड पर जो भी फ़ोटो होगी दोस्तों, वो फ़ोटो आपके अकाउंट में लग जाएगी। और दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट करना है दोस्तों, जैसे कि आप मैरिड है या अनमैरिड है दोस्तों, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल एंटर करनी है। आपको यहाँ पर अपनी बर्थ प्लेस को एंटर करना है, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ था। और आपको यहाँ पर अपने फादर का जो भी नाम है उस नाम को एंटर करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको मिडिल नेम एंटर करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर करना है दोस्तों। इसी तरह से आपको अपनी मदर के नेम को भी एंटर करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ मिडिल नेम एंटर करना है, और दोस्तों यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको इस स्क्वायर वाले ऑप्शन में टिक कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अगर आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आप बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आप कोई सर्विस करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों आपको यहां पर अपनी एनुअल इनकम को एंटर करना है, यानी दोस्तों आप एक साल में कितना कमाते हैं दोस्तों, उसको यहां पर एंटर करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहां पर अपनी कास्ट को एंटर करना है दोस्तों। जो भी आपकी कास्ट है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उस कास्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी सेक्शन को एंटर करना है दोस्तों। आप नॉमिनी सेक्शन में जिसका नाम भी एंटर करना चाहते हैं दोस्तों, आपको उसकी पूरी डिटेल को यहाँ पर एंटर करना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आपको नॉमिनी के नाम को एंटर करना है। और दोस्तों आपका उस नॉमिनी से क्या रिश्ता है दोस्तों, उस रिलेशनशिप को यहाँ पर एंटर करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। और दोस्तों नॉमिनी सेक्शन में पूरी डिटेल को एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर आपने जो नॉमिनी में नाम एंटर किया है दोस्तों, उसका एड्रेस क्या है दोस्तों, आपको उस एड्रेस को यहाँ पर एंटर करना है। और दोस्तों एड्रेस को एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे कि आप जो अपना एक अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं दोस्तों, वो अकाउंट आपको आपके स्टेट में, आपकी सिटी या गांव या कस्बा जहाँ भी आप रहते हैं दोस्तों, आपको कौन सी ब्रांच में वो अकाउंट ओपन करना है दोस्तों, उसी ब्रांच को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, एक बार आपको इसको रीड कर लेना है। और दोस्तों रीड करने के लिए दोस्तों आपको इस टर्म एंड कंडीशन को नीचे एंड तक स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इसको बिल्कुल एंड तक स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक आप इस स्क्वायर में टिक नहीं लगा सकेंगे दोस्तों, इसलिए आपको इस टर्म एंड कंडीशन को बिल्कुल एंड तक स्क्रॉल डाउन करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर इस स्क्वायर में टिक लगा देना है। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा दोस्तों, आपको उस OTP कोड को यहाँ पर एंटर करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है दोस्तों। आपको ATM कार्ड पर जो भी नाम चाहिए दोस्तों, आपको उस नाम को यहाँ पर एंटर करना है। और दोस्तों नाम को एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है एक ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करने की दोस्तों, वो एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है दोस्तों। अब आपको अपने अकाउंट की फुल KYC करनी है दोस्तों, जो KYC आप वीडियो कॉल के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है।
और दोस्तों आपको अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करने के लिए वीडियो कॉल पे किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों वो पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी है। दोस्तों आपको एक बार इसको रीड कर लेना है। दोस्तों जैसे कि आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दोस्तों आपको अपने पास रखना है। और दोस्तों वीडियो कॉल पे फुल केवाईसी कराने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपके सामने एक शेड्यूल पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर अपने शेड्यूल को सिलेक्ट करना है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर उस डेट को सिलेक्ट करना है दोस्तों जिस डेट को आप फ्री हो। और दोस्तों डेट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको उस टाइम को सिलेक्ट करना है दोस्तों जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री हो। और दोस्तों आपको अपने शेड्यूल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शेड्यूल वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर अपना शेड्यूल सिलेक्ट किया दोस्तों वो शेड्यूल सक्सेस हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद आपको शेड्यूल के हिसाब से जो भी यहाँ पर आप डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों आपको उस डेट पे और टाइम पे बिल्कुल फ्री रहना है। क्योंकि दोस्तों जब आप फ्री रहेंगे दोस्तों जब भी आप अपने अकाउंट की वीडियो कॉल पे फुल केवाईसी कंप्लीट करा सकेंगे। दोस्तों वीडियो कॉल पे फुल केवाईसी कराने के लिए बैंक की तरफ से एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आपको उस वीडियो कॉल में अपने ओरिजिनल पैन कार्ड को शो करना है और दोस्तों आपको अपने ओरिजिनल आधार कार्ड को शो करना है। और दोस्तों इसके बाद आपके अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और दोस्तों आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। आपका जो भी अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है दोस्तों वो पूरी डिटेल आपकी ईमेल पे सेंड कर दी जाएगी। और दोस्तों आपका जो एटीएम कार्ड है और दोस्तों चेकबुक है दोस्तों वो 10 से 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो लेकर।